जो मैं सुधा प्रसाद आपकी हिंदी टीचर। आज कोरोना संक्रमण की वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो रहे हैं। आज हम इन वीडियोस के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखने का प्रयास करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। आज हम क्लास 5 का पहला चैप्टर उद्यम कविता पढ़ाने जा रहे हैं। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। इनकी ये जो कविता है, ये कविता बहुत ही शिक्षाप्रद है और इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इनकी पहली 4 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। इसका भावार्थ है कि केवल मन के चाहने से ही हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जैसे बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की, अर्थात अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल आप तक नहीं आती है, आपको मंजिल तक पहुंचना है और इसके लिए आपको रास्ता तय करना है, आपको चलना है। कहाँ तक? अपनी मंजिल तक। क्योंकि जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको मंजिल तक पहुंचने की अगर इच्छा है तो आपको चलना पड़ेगा। इसलिए पहली ही पंक्ति में दिया गया है कि केवल मन के चाह लेने से, केवल सपने देख लेने से, केवल किसी चीज़ की इच्छा कर लेने से हम उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। उसके बाद है दूसरे 4 पंक्तियाँ, जिसमें दिया गया है पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। इसका मतलब हुआ पर्वत यानी पहाड़ की चोटी छूने को, यानी पहाड़ के अंतिम छोर पर जाने के लिए हमें पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। जैसे आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्वतारोही किस तरह से पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और वह चोटी तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। अगर वह पर्वत पर नहीं चढ़ेगा तो वह चोटी तक नहीं पहुँच सकता है और कभी भी चोटी को नहीं छू सकता है। इस रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हो सके वह फिसल कर गिर भी जाए, पर उसे हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य नहीं खोना है और उसे लगातार पर्वत पर चढ़ते जाना है। तभी वह ऊपर की ओर अग्रसर होगा और पर्वत की चोटी को छू पाएगा, क्योंकि उसकी मंजिल है पर्वत की चोटी को छूना। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समुद्र की इस गहराई में, समुद्र की तल में एक गोताखोर मोतियों को तलाश रहा है। तो अगर आपकी इच्छा है मोती प्राप्त करने की, तो इसके लिए आपको इस समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा, समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा और तभी आप समुद्र की तल में पाए जाने वाले इस सीप के अंदर मोती को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। इस गोताखोर ने मेहनत किया तो उसने मोती पाया। ये पर्वतारोही मेहनत कर रहा है तो वो निश्चय ही पर्वत की चोटी को छुएगा। उसके बाद है कविता की इन 4 पंक्तियों को आप देखें। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती, उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। इसका मतलब हुआ उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। मेहनत किए बिना तो चींटी भी अपना घर नहीं बना पाती। आप इन पंक्तियों को देखें, ये चींटियों की पंक्तियाँ हैं, चींटियों की लाइनें हैं जो एक साथ एक कतार में अपनी मंजिल तक पहुँच रही हैं। उनकी मंजिल क्या है? उनकी इच्छा क्या है? उनकी मनचाही क्या है? उनकी इच्छा है, उनके जीवन का उद्देश्य है इस घर का निर्माण, अपने घर का निर्माण। आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ये चींटियाँ मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उठाकर ले जा रही हैं और जोड़ जोड़ कर
ये मिट्टी का घरौंदा बना रही हैं, जिसमें वो एक साथ रहेंगी। तो आप इन छोटी चींटियों से भी शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह ये अपना घर मेहनत और धैर्य के साथ बना रही हैं। उसके बाद आप इस सिंह को देखें, जो जंगल का राजा है, जिसे हम शेर भी कहते हैं। ये एक हिरन के पीछे भाग रहा है। हिरन क्या है? उसका शिकार है, उसका भोजन है, और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इस प्रयास में लगा हुआ है कि कब वह हिरन को पकड़े और उसे खाकर अपनी भूख मिटाए। वो हिरन का शिकार करने का प्रयत्न कर रहा है। तो जंगल का एक राजा भी अपना भूख मिटाने के लिए स्वयं प्रयास करता है, न कि किसी पर निर्भर होता है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से उसके पीछे भाग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिकार उसके हाथ आते आते रह जाता है, पर इसके वजह से वह अपना धैर्य नहीं खोता है और वह निरंतर प्रयास करते हुए अंततः शिकार को पकड़ लेता है और खाकर अपनी भूख मिटाता है। अगर इसकी जगह कोई मनुष्य होता, तो अगर वो राजा होता, तो वो अपना भोजन स्वयं कभी नहीं बनाता, क्योंकि इंसान अगर राजा बन जाए तो वह ढेरों सेवक पाल लेता है, नौकर चाकर पाल लेता है, और अपने हर काम के लिए वह नौकर चाकरों पर निर्भर हो जाता है। जैसे महलों की सफाई, कपड़ों की सफाई, भोजन की व्यवस्था, बाग बगीचों की देखभाल, तो हर कार्य के लिए राजा अपने दूसरे व्यक्तियों पर, अपने नौकर चाकरों पर, अपने सेवकों पर निर्भर होता है। परंतु अगर सिंह इतना शक्तिशाली है कि वह सभी जानवरों पर राज कर सकता है, उससे सभी जानवर भयभीत रहते हैं, फिर भी वह किसी को अपने अधीन नहीं बनाता और अपने कार्य स्वयं करता है, तो हमें एक सिंह से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो आपने यह भी देखा कि एक चींटी, जो बहुत ही छोटी सी जीव है, वो भी अपना काम स्वयं कर रही है और अपने शरीर के आकार से बड़े इस घर को बनाने का हिम्मत रखती है, और एक जंगली जानवर जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो भी अपना काम स्वयं कर रहा है। इसके बाद इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। इच्छा पूरी होती तब जब, आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उसके साथ आपका मेहनत जुड़ा हो, आपका परिश्रम जुड़ा हो, आपका प्रयास जुड़ा हो, क्योंकि सिर्फ चाह लेने से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। आपने अभी तक जितने भी उदाहरण देखे, इसकी उसमें आपने देखा कि ये सभी मेहनत कर रहे हैं। इस पर्वतारोही की इच्छा है पर्वत छूने की, जिसके लिए वो चढ़ने का मेहनत कर रहा है। इस गोताखोर की इच्छा है मोती पाने की, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, समुद्र के तल में गया है और मोती को ढूंढ रहा है। इस चींटी की इच्छा है घर बनाने की, उसके जीवन का उद्देश्य है घर बनाना, जिसके लिए वह मिट्टी के कणों को उठा उठा कर ला रही है और यह घर बना रही है। वह भी मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है। और इस सिंह की इच्छा है भोजन प्राप्त करने की, अपनी भूख मिटाने की, इसके लिए वह स्वयं अपना शिकार तलाश रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है और पकड़ने का प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और तब वह उस शिकार को पकड़कर खाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये चारों उदाहरण जो दिए गए हैं कविता में, इन चित्रों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि ये सभी परिश्रम द्वारा ही अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि प्राप्त सफलता करने का, सफलता प्राप्त करने का एक सही रास्ता, एक सच्चा सलाह क्या है? तो उद्योग परिश्रम, यानी
मेहनत करना, प्रयास करना, और तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मूल मंत्र का मतलब होता है सच्ची सलाह, सच्ची राह, जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उद्योग का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, और परिश्रम का मेहनत मतलब होता है मेहनत करना। तो अगर हम निरंतर प्रयास करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रयास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, बहुत बार आप पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ों को याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ऐसे में आप विचलित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। निरंतर प्रयास द्वारा आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये कविता आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन की ये सच्ची सलाह है, यह मूल मंत्र है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमें मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कविता को पढ़ाने के बाद, इसका भावार्थ समझाने के बाद, अब अगले वीडियो में मैं आपको इन कविताओं के मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इसलिए आप तब तक के लिए इस कविता के जितने भी शब्दार्थ हैं उनको याद करें और इनकी पंक्तियों को स्मरण करें। धन्यवाद।